नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है आईपीएल की, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अपडेट आ रही है बेन स्टोक्स को लेके। मैंने आप सभी को बताया था कि बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे, चेन्नई उनको रिलीज करेगी, और इसके पहले ही ये खबर ऑफिशियल हो चुकी है कि बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 से पुल आउट, यानी कि अपने नाम को वापस ले लिए ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट। यानी कि स्टोक्स फिलहाल उनका फोकस जो इंडिया के साथ में सीरीज होगी टेस्ट सीरीज उसके ऊपर है, और उसके बाद जो T20 का वर्ल्ड कप होगा उसके ऊपर फिलहाल बेन स्टोक्स का फोकस है। इसके चलते बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे और चेन्नई उनको रिलीज कर देगी। चेन्नई के पास अच्छा खासा मोटा पैसा उनके बैलेंस पर्स में फिलहाल ऐड हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है फिलहाल चेन्नई के लिए, उनका बैलेंस पर्स बढ़ जाएगा। सेकेंड बात यहाँ पर खबर आ रही है आईपीएल के शॉर्ट लिस्ट प्लेयर की, तो भाई टोटल फिलहाल 590 प्लेयर्स यानी कि 590 प्लेयर्स का जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है आईपीएल के ऑक्शन के लिए। अब कौन से प्लेयर है, नाम क्या है, फिलहाल हमारे सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी इसको लेके मैं आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम पे हमारे दे दूंगा। वहाँ पे आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, भाई क्लिक करो टेलीग्राम को हमारे, अब भी ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग आपके टेलीग्राम के ऐप पर जाओ, ऊपर सर्च कर लो क्रिकेट विद पवन और उसको जरूर याद से फिलहाल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है राहुल द्रविड़ को लेके। राहुल द्रविड़ फिलहाल हम सभी को पता है कि टीम इंडिया के हेड कोच नहीं रहेंगे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ल्ड कप के साथ ही ख़त्म हो गया, और राहुल द्रविड़ फिलहाल खबर आ रही है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे टीम इंडिया के हेड कोच के लिए। लेकिन सोर्स के हवाले से अपडेट आ रही है कि राहुल द्रविड़ किसी आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ में कॉन्टैक्ट में है कि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी आईपीएल टीम को देंगे, यानी कि कोई ना कोई आईपीएल टीम राहुल द्रविड़ को 2 साल का डील देगी कि आप 2 साल उस फ्रेंचाइज के साथ में काम करो। फिलहाल वो कौन सी टीम है इसका नाम सामने नहीं आया, बस इतनी खबर आई है कि राहुल द्रविड़ उस टीम के कॉन्टैक्ट में है, बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जैसे फाइनल होगी हम सभी के सामने नाम आ जाएगा। और एट दी एंड बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी मार्नल सैम्यूल्स की। आप लोग जानते रहेंगे भाई सैम्यूल्स को किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, तो यही सैम्यूल्स को जो है ना फिलहाल ICC ने 6 साल का बैन लगा दिया किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट से, क्योंकि जो ECB इंग्लैंड क्रिकेट की बोर्ड ने जो है इनको एंटी करप्शन फिक्सिंग में जो है शायद से इनका हाथ आया था या फिर कुछ तो हुआ है इशू, इसके चलते सैम्यूल्स के ऊपर 6 साल का बैन लग गया है कि वो 6 साल कोई भी क्रिकेट फिलहाल नहीं खेल पाएंगे। ये थी भाई आज की सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी इस वीडियो में। इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।